तो ये बाड़े पता क्यों दे रखे हैं? ताकि सुअर ना अंदर ना जा पाए। और इतनी मेहनत करी है, आलू लगा रखे हैं इतने बड़े। बंद हो चुका है और मुझे पड़ गया है भयंकर वाली डांट। ये देखो ससुराल जाके भी अभी मेरी मम्मी को चैन नहीं है। इसको बोलते हैं कौलिया। इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा खटास आती है लेकिन सब्जी बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, मेरे खप और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज की नई ब्लॉग में। नए ब्लॉग की स्टार्टिंग गांव से ऊपर डांडा छानी जाने की आधे रास्ते से हो रही है। और मेरा नाम है रेखा पंवार और मेरे गांव का नाम है चोपड़ा, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चोपड़ा मेरा मायका है और बरसारी मेरा ससुराल। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं डांडा छानी के आधे रास्ते से कर रही हूँ और हम जा रहे हैं डांडा छानी। शुभम और मम्मी तो जा चुके हैं और मैं अब जा रही हूँ। मेरे पास थोड़ा सा चिलौ दे रखा है जो कि मैंने डांडा छानी पहुँचाना है। और आज का मौसम आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है। और मौसम का हाल बहुत दिनों से बेहाल था, बारिश हो रही थी और जो कार्य थे होते हैं गांव में भी वो भी बारिश में ही निपटाए हमने। और अभी फिलहाल बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। आजकल मौसम का पता नहीं चल रहा है, सुबह धूप लगी हुई है और दिन को बहुत बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश। और लोगों के हो रहे हैं हालत खराब क्योंकि आजकल गेहूँ होते हैं, ये बैसाख का महीना पता नहीं, और जो एक आदमी होगा उस पर तो ज़्यादा ही बीत रही है क्योंकि हर चीज़ संभालनी पड़ती है और हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं डांडा छानी यानी कि अपने मरोड़ा, जहाँ के हमारे गाय भैंस रहते हैं और दूर जो हमारी जंगलों में गौशाला होती है उसको डांडा छानी और मरोड़ा कहते हैं गढ़वाली में। तो चलो चलते हैं, आपको मरोड़ा लेके चलते हैं और मैं भी जा रही हूँ, मम्मी और शुभम चले गए, तो चलो चलते हैं। और आज सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का है और वो जो चौखंबा आपको सामने दिख रहा होगा बर्फ से ढका हुआ है, वो भी यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। तो आज का मौसम देखो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी धूप। इधर साइड तो अभी धूप नहीं आई है लेकिन उधर साइड बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है। और अगर ऐसा ही रहा तो आज का मौसम गेहूँ हम क्लियर कर देंगे, गेहूँ कूटने के लिए हैं घर में। और मेरे पास थोड़ा सा चिलौ दे रखा है, ये मैंने डांडा छानी पहुंचाना है, तो चलते हैं डांडा छानी और आपको भी लेके चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं गौशाला में और शुभम और माँ की लड़ाई चल रही है बहुत ज़्यादा। माँ की शिकायत है कि कल मुझे डांडा छानी भेजा था और मैंने पानी नहीं भरा। और ये देखो पानी बंद हो चुका है और मुझे पड़ गया है भयंकर वाली डांट। ये देखो ससुराल जाके भी अभी मेरी मम्मी को चैन नहीं है। ऐसी गालियाँ पड़ती हैं पहाड़ों में और शहरों की बात तो अलग ही होती है। काश हम भी शहर वाली माँ के बच्चे होते। वही ले गया तो हम आ चुके हैं जहाँ पर ये पेड़ है बांझ का, वहाँ पे आ चुके हैं और हमने काटा है ये वाला पेड़, जितना हो पाएगा उतना काटेंगे और देखते हैं काट पाते हैं कि नहीं। तो बांझ काटने के बाद मिलते हैं आपको, थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ मैं पेड़ पे कैसे जाती हूँ, ठीक है?
बोली मैं तो रोए रोए गए तबन, मैं रोए रोए गए तबन। ते लोग उल्पा खड़ा था ना अलग झूठे हो। वो और माँ चपन मेर लोड़ी इन जने बट डाल व्यापार की मैं उसे तब दिखे ना तो फाइनली मैंने काट दिया है बांझ और शकल देखो, शकल की बच गई है 12 और यहाँ डाल दिया है मैंने पूरा बांझ काट के और इस पेड़ पे काटा मैंने, यहाँ से तो दिख भी नहीं रहा उतना। और मम्मी भी वहाँ पे लगी पड़ी है बांझ को समेट रही है और मैं जा रही हूँ अब यहाँ से यहाँ। लेकिन यहाँ ना ऐसे वाले तार हैं, इनके इनसे इधर जाना बहुत मुश्किल है, यहाँ जाने के लिए भी नहीं है। और ये तार ना जब यहाँ पहले खेत चालू रहे होंगे तो इन खेतों में आलू लगे रहते थे, तो आलू को बचाने, सुअर से आलू को बचाने के लिए ये तार की बाड़ दी जाती थी। और जिनका मतलब जो घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते थे बाड़ करने वाले, उन्होंने ऐसे लकड़ियों की बाड़ करी रहती थी। और पत्थर तो बहुत कम है, इसमें लकड़ियाँ हैं और ये है रिंगाल जिससे स्वाल्टी और कंडे बनते हैं, हमारे यहाँ मिल जाती है रिंगाल। और इतने बड़े बड़े बांज के पेड़ हैं और इन पे कोई नहीं चढ़ पाता इसीलिए इस ऐसे हैं। और मैंने तो काट दिया आज अपना पेड़ और बाकी सूर्य भगवान जी भी आ ही चुके हैं और हम यहाँ नीचे लगे पड़े हैं बांझ समेटने पे। तो मिलते हैं आपको। और हमने लगा दी है भारी, एक भारी यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर, इसको मम्मी ले जाएगी। हे पड़े किनारी हिकमत नहारी, तो बांझ लेके हम जाने लग गए हैं घर और आगे जा रही है मम्मी। और यहाँ पर जाने के लिए नहीं है तो इसलिए थोड़ा अजीब सा हो रहा है। और ये आ रही है मम्मी, इतनी चढ़ाई पे हमको लाना पड़ता है। मैं अपनी छानी के जस्ट नीचे पहुंच चुकी हूं और यहां पर आप देख रहे होंगे कि पत्थरों के बड़े बड़े बाड़े दिए जा रखे हैं, बाड़े दे रखे हैं। तो ये बाड़े पता क्यों दे रखे हैं, ताकि सुअर ना अंदर ना जा पाए। और इतनी मेहनत करी है, आलू लगा रखे हैं, इतने बड़े 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 बाड़े दे रखे हैं और इनको भी तोड़ के ना सुअर अंदर चला जाता है। तो बहुत मेहनती होते हैं हमारे पहाड़ के लोग। और फिर भी देखो, ये देखो यहाँ पर आलू लगा रखे हैं सभी लोगों ने, और आलू को बचाने के लिए इतने लंबे लंबे पत्थरों के बाड़े दिए जाते हैं। बांझ को हमने गौशाला में छोड़ दिया है और गौशाला में तब रोटी खाई क्योंकि सुबह हमने नाश्ता नहीं करा था। चलते हैं, घर चलते हैं। और अभी अभी मम्मी भी नहीं आई है, मम्मी का वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो तब तक मैं हिसूल खा लेती हूँ।
छानी से हम घर आ गए हैं और आज मौसम फिर से खराब होने की पूरी संभावना है, तो इसलिए तय हैं और हम कूद रहे हैं। दें मम्मी और मैं दें कूदते हैं, तो आपको बताते हैं हम दें कैसे कूदते हैं। और मैं पहुंच चुकी हूं अपने डांडा छानी यानी कि गौशाला में। बहुत दूर की गौशाला है, तो भैंस और गाय को दोनों को बाहर निकालते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो बाहर निकाल के उसको पानी दे रहे हैं, अब पानी पी रहे हैं। और फिलहाल आज का मौसम देख लो, बहुत अच्छा मौसम है आज का और सुबह से बारिश नहीं हुई है। आज का मौसम बहुत अच्छा रहा, इसलिए काम करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। और आलू के हरे भरे खेत, गाय और भैंस को दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया है। वहाँ पर थोड़ा सा धुआं लगा दिया है क्योंकि उनको भी मच्छर काटते हैं। और अब मैंने ले ली है कंडी और दराती, थोड़ा सा घास निकालेंगे सुबह के लिए। सुबह के लिए घास नहीं है, तो मैं 5-6 खेत छोड़ के नीचे आ गई हूँ। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसको बोलते हैं कौलिया। इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा खटास आती है लेकिन सब्जी बहुत अच्छी होती है। और इसकी भैंस दूध अच्छा बढ़ाते हैं, हमारे यहाँ होता है ये। लेकिन जब आलू लगाते हैं आफत भी बहुत आती है, इतनी लंबी लंबी जड़ें होती हैं इसकी। तो घास की कंडी निकालने के बाद मिलती हूँ आपको। और मैं आ चुकी हूँ घर, बहुत लेट हो गई थी इसीलिए मैंने गाय भैंसों को अंदर बांधा और आपको व्लॉग में नहीं दिखा पाई। तो मैं आ चुकी हूँ आधे रास्ते में और शाम का टाइम हो गया है। हमारा गांव सड़क से ऐसा दिखता है। और मैं लाई 2 समोसे आज कुरकुरे, चलते हैं। टाइम हो रहा है रात के 8 बजे हैं और आज हम बना रहे हैं। शुभम की ख्वाहिश थी, बहुत दिनों से बोल रहा था पूरी बनाओ पूरी बनाओ मेरे, और शुभम लगा पड़ा है पूरी बेल रहा है और मैं पूरी को तल रही हूँ। जल गई आपके चक्कर में। और ये देखो शुभम की पूरी। खाना हमने बना दिया है, अब लेते हैं पूरियों का स्वाद मैगी के साथ। ये है शुभम, ये है मम्मी, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से।